अगली खबर में बात करते हैं ग्वालियर की, जहां खाद्य विभाग ने बुधवार शाम को तकरीबन आधा दर्जन फास्ट फूड की दुकानों पर अचानक छापामार कार्रवाई की है। इस दौरान टीम ने 5 दुकानों संदिग्ध खाद्य सामग्री के सैंपल भी लिए हैं, जिन्हें अब जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। साथ ही खाद्य विभाग ने कुछ दुकानों में गंदगी मिलने पर दुकान संचालक को हिदायत भी दी गई है। खाद्य विभाग की टीम ने फूलबाग गुरुद्वारे के पीछे बनी चौपाटी स्थित दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम का नेतृत्व कर रहे थे, इस दौरान टीम के तकरीबन आधा दर्जन दुकानों पर खाद्य सामग्री की जांच पड़ताल की। साथ ही मौके पर मौजूद चलित फूड सेफ्टी लैब में उनकी टेस्टिंग कराई। प्रारंभिक जांच में टीम को जय भवानी वड़ा पाव और श्री बालाजी सोया चाप सहित अन्य 5 दुकानों पर संदिग्ध खाद्य सामग्री मिली है, जिनमें पनीर और बार बार इस्तेमाल किया जा रहा तेल शामिल है। टीम ने दोनों दुकानों से सैंपल लिए हैं, जिन्हें अब जांच के लिए भेजे जाएंगे। इसके अलावा टीम को कुछ दुकानों में गंदगी भी मिली है। इस पर टीम ने गहरी नाराजगी जताई है और संबंधित दुकानदारों को हिदायत दी है। इससे पहले खाद्य विभाग की टीम के चौपाटी पर पहुंचते ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया, जिसके चलते कुछ लोग अपनी दुकान के शटर गिराकर गायब हो गए। खाद्य विभाग अधिकारी सतीश धाकड़ ने बताया कि सूचना मिली थी कि फूलबाग के पास स्थित गुरुद्वारे के पास फास्ट फूड की दुकानों पर ग्राहकों को जो खाना परोसा जा रहा है, उन व्यंजनों में कहीं ना कहीं शिकायतें मिल रही थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई करते हुए 2 दुकानों से सैंपल लिए गए हैं। साथ ही अन्य 4 दुकानों पर गंदगी पाए जाने पर दुकानदारों को वार्निंग देकर हिदायत भी दी गई है। आज इन पर फूड की जाँच की गई है, जहाँ से क्या अपनी जो लैब के लिए चलित लैब है उसके लिए भी सैंपल लिए गए हैं, तथा 2 दुकानों से लीगल सैंपल लिए गए हैं, जिसकी जांच की जा रही है, तथा यहाँ पर जो गंदगी मिली है लोगों को, तो उसको दूर रखने के लिए इनको समझाइश दी गई है, तथा 1 दुकान पर जो बार बार तेल का यूज़ कर रहे थे उनको भी डिस्ट्रॉय कराया गया है, तथा आगे भी सही से रखने के लिए दुकान का नाम है जय भवानी फूड पे अभी कार्रवाई चल रही है, जहाँ से बड़ा 5-6 दुकानों पे कार्रवाई कर चुके हैं।